चेयरमैन पेंटिकोस्टल पास एसोसिएशन अमृतसर। एक कल साढ़े अंबाले तो एक पास जी आए, पास सुखदेव जी, अपनी गड्डी में एक सवारी उत्थे लैके आ रहे थे। इन्हें भी एक दिन उन्होंने लिया, उन्होंने सुसमाचार परमेश्वर का कलाम गड्डी सुनाया, एक छोटी बाइबल भी दी उन्होंने। तो फिर उन्होंने जितने एक दिन छड़ के गए तो दोबारा फिर उन्होंने कहा भी मैं इतों लैके जाना फिर अमृतसर। दोबारा फिर जितने हूँ लैके आए तो कल राती जो आए अमृतसर पहुँचे तो सरदार जी अते उन्होंने जिथे पहुँचे बाईपास से पहला ही उन्होंने तीन बंदे अणपछाते खिलारे पे से जिन्होंने मूँह कवर किए से अपने, तो जो इन्होंने लाने लगे तो नाल ही उन्होंने आके इन्होंने चाकू छुरे मारने शुरू कर दिए। तो जो ये बाबा जख्मी हो गए, इन्होंने रौला पाता तो लोग भी कट्ठे होने शुरू हो गए, तो ये चारों ही जेडे सरदार जी से जेडे तीन बंदे पहला ही उत्थे खिलारे से सारे भज गए। तो जख्मी हालात के फिर इन्होंने जो लोगों ने इन्हों सिविल होस्पिटल एडमिट कराया तो सिविल वाले ने गुरु नानक रैफर कर दिता जितों की है। पुलिस कंप्लेन हुई है माई भागो चौकी चलती है। एस आई अमर सिंह जी आए थे बयान लै मौके दे, देख के गए आते बयान लैके गए हैं। पुलिस वाले ने यह विश्वास किया दवाया वा कि दोषियों पर बंद की कार्रवाई की जाएगी। जिहड़ा दोषी मेन लक्ष्मीवीर सिंह आ तहसील अजनाले तो वहाँ से बाकरपुरे का दसया जा रहा वा, तो वो मेन दोषी आने बंदे पवाए हैं। तो दोषियों पर नहीं कार्रवाई होएगी फिर तो असी अपने हक वास्ते तुहानू पता ही। सो उस तो बाद असी डी सी कमिश्नर साहब नू मांग पत्र देवांगे कि साड़ी सुनवाई की जाए तो दोषियों को छेती तो छेती गिरफ्तार किया जाए। ये ड्राइवर सुखदेव मार्क है जी, अंबाले तो सवारी लैके आया सी। जो अमृतसर पहुँचा बाईपास से तो सवारी ने उत्थे पहले तीन अणपछाते नौजवान खड़े से, तो सवारी भी उन्होंने नाल रल गई तो ये मार्क अटैक की थी। ये पेट चाह अपना चाकू नवा कोई चीज़ मार के तो भज गए। असी राती सिविल अस्पताल कराया से, उन्होंने रैफर गुरु नानक देव अस्पताल कर दिता। डॉक्टर साहब को अनफिट लिखा लिया वा, बयान लै लिया, तो मुलजमान जल्द गिरफ्तार किया।